आईना होती है जिंदगी, तू मुस्कुरा वो भी मुस्कुरा देगी। बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। एक इंटरव्यू में एक मिलीनियर से पूछा गया, आप इतने कम समय में सफल कैसे हो गए? तो उस व्यक्ति ने कहा, अपनी कड़ी मेहनत से। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, सर कड़ी मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, कृपया आप अपनी कामयाबी का असली कारण बताएं। तो व्यक्ति ने कहा, मैं कोई भी डिसीजन लेने में ज्यादा समय नहीं लगाता और डिसीजन लेते ही उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। दोस्तों, हम अपनी बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। सोचते सभी हैं, मेहनत भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सही वक्त पर डिसीजन बहुत कम लोग ले पाते हैं और उससे भी कम लोग डिसीजन लेने के बाद काम करना शुरू करते हैं। इसलिए कहते हैं कि डिसीजन लेने के बाद मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले बेटा ये तो तेरा हक है। याद रखना, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको बदल सकती है। आसान रास्ते कभी भी बड़ी मंजिलों की तरफ नहीं जाते। आज जितनी ठोकरें आपको मिल रही हैं वो सब की सब आगे चलकर आपके रास्ते के फूल बन जाएंगी। हर पत्थर जो आपके रास्ते में है वो आगे आपके लिए एक माइलस्टोन बन जाएगा। अगर जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है तो देर रात तक चैटिंग करने की बजाय अपने कैरियर की सेटिंग करने पर फोकस करो। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या फिर सोने में बिता दो। चाणक्य ने एक बार कहा था, जब मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले तो रास्ते बदलिए, मंजिले नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर वक्त है तू नहीं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, बस एक कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। और अंत में दोस्तों इतना ही कहूंगा कि समय रहते अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दो, नहीं तो बाद में मजबूर होकर परिवार को पालने के लिए जीवन भर मन मार मार कर किसी दूसरे की नौकरी करनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।